हे गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जो आपने जो थंबनेल पे देखा ना, वो करेक्ट है। मैं आज अपना इन्फोसिस का रिज्यूमे बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने 3.5 साल पहले इन्फोसिस में अप्लाई किया था ना, जब मैं कैंपस में था, तो जो कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ था इन्फोसिस में। तो जी हाँ, वही रिज्यूमे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने मैंने कैसे सेट किया था अपना रिज्यूमे, एंड क्या क्या चीज़ें मैंने मैंशन की थी। सारी चीज़ें बता दूंगा, क्या क्या फिल करना चाहिए आपको, क्या क्या नई चीज़ करना चाहिए। जो चीजें मैंने नहीं की वो ही बता दूंगा मैं, कौन कौन सी चीजें आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो वो चीजें। तो बाकी का मेरे पास मेरा इन्फोसिस का रिज्यूम है, मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। और जिनको ये रिज्यूमे चाहिए ना, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो जाके, और वहां पे आपको ये रिज्यूम मिल जाएगा। मैंने बहुत पहले डाल दिया था, 3-4 दिन पहले। अगर जिन लोगों ने नहीं मिल पा रहा है, तो मैं दोबारा से डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे ना, ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां से आप चेक कर सकते हो कि मैंने अपना रिज्यूमे कैसे सेट किया था। आप उस तरह उस टाइप का रिज्यूमे बना सकते हो। बेसिकली जो मेरा रिज्यूमे है ना, थोड़ा सा कैची टाइप। तो सारी चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मेंशन किया था। तो जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसमें मैंने अपना नेम एंड मैंने अपनी ईमेल आईडी एंड लिंक्डइन की जो आईडी है वो मेंशन की थी, एंड मोबाइल नंबर, एंड मैंने एक लोगो लगाया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो वो ये वाला है, तो आप देख सकते हो। हाँ, ये मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लोगो लगा दिया था अपने, तो मतलब एक टूल का एक लोगो लगा दिया था कि एक ये टूल है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था। एंड बाकी का मैंने वन साइड में, ये वाला जो साइड है, तो यहाँ पे मैंने एजुकेशनल डिटेल्स डाली थी, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, एंड मेरे 10th में कितने परसेंट थे एंड 12th में कितने परसेंटेज थे। तो उनको आइडिया लग जाता है जब आप मैंशन करते हो। वैसे मोस्टली हर जिम में हर कोई ये चीज़ें मैंशन करते ही करता है। बाकी का मैंने अपना पर्सनल क्वालिटीज में लिखा था, या कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना है, आप ये देख सकते हो। एंड ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये चार्ट टाइप का सा, तो मैंने इसमें आप मेंशन किया था कि मेरी पर्सनल क्वालिटीज कितनी है, डेडिकेशन कितना है, एंड एनालिटिकल में मैं कैसा हूँ, मैनेजमेंट में मैं कैसा हूँ, अटेंटिवनेस में मैं कैसा हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी। इवन इफ ना, जब आपको इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा डेडिकेशन आपने क्यों लिखा है, एंड कॉन्फिडेंस में आपने ग्राफ इतना क्यों बढ़ा रखा है, क्या रीजंस है, मेरे से पूछे थे एक दो क्वेश्चन इनसे, अच्छा तुमने ये क्यों मेंशन कर रखा है, तो आपको आंसर आना चाहिए। एक चीज़ और, आप अपने रिज्यूम में कुछ भी मत लिखना। आपको अगर कुछ भी लिखते हो ना, तो उसका आपको आंसर आना चाहिए। आपने कुछ भी लिख दिया, उसका आंसर भी ना पता आपको, तो वो इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी लिखो उसका आंसर आना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें, तो मैंने आपको ये दो सेक्शन बता दिए, ये वाला एजुकेशनल डिटेल्स वाला, 3 सेक्शन, पहला ऊपर वाला एंड एंड एजुकेशनल डिटेल्स वाला, एंड पर्सनल क्वालिफिकेशंस एंड सॉरी क्वालिटीज, एंड जो थर्ड वाला है अचीवमेंट वाला बता देता हूँ मैं आपको। तो ये थर्ड वाला मेरा अचीवमेंट का है, ये वाला, तो इसमें, अरे यार ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला अचीवमेंट्स का, तो यहाँ पे मेरे सारे अचीवमेंट्स से मैंने क्या क्या किया था। आपके अचीवमेंट्स भी थोड़े से अच्छे होने चाहिए, आप सर्टिफिकेशन लगा सकते हो कॉलेज के, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो इंटरव्यूअर होता है उसमें इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ आपने कॉलेज पे भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड एक्टिवनेस देखा जाता है कि आप कितने एक्टिव थे कॉलेज टाइम पे भी। तो जिन्होंने नहीं किया वो आप मेंशन बना सकते हो, कोई फर्जी वाला भी बना सकते हो, बट उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, अगर नहीं तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया ना उससे कि अच्छा ये क्यों लिखा, ये क्यों हुआ। जैसे मैंने ना इसमें अचीवमेंट्स में 2-3 जो अचीवमेंट लिखे ना, मतलब 3 नहीं 4 अचीवमेंट्स लिखे थे, 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मेरे को 3 अचीवमेंट्स, एक क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने, पूछा था मैंने स्कॉलरशिप के बारे में लिखा रहा था, तो उन्होंने पूछा था स्कॉलरशिप क्यों मिली आपको, क्या रीजन था, वो सारा चीज़ ऊपर। उसके एक और था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था क्लिक्स कंपटीशन, दैट मींस मुझे एक फोटो कैप्चर करना था और मुझे उसका पूरा वो बताना था कि क्यों किया मैंने, उसका एक रीजन देना था, तो वो उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिली थी, तो मैंने वो रीजन दिया था। तो उन्होंने पूछा था ये क्या है क्लिक्स कॉम्पिटिशन, क्या है, तुमने ऐसा क्या किया था इसमें, क्या थीम थी आपके, जो आपने क्लिक किया था उसकी थीम क्या थी, तो वो सारी चीजें पूछेंगे। बाकी का मैंने प्रोजेक्ट किया था 3rd ईयर में, वो था मैंने गो कार्ड बनाया था, तो उसका मैंने लिखा था कि हमारी इतनी रैंक बनी थी, तो उन्होंने बोला पूछने लगे थे वो, अच्छा अच्छा ये चीज़ें कैसे की, कितनी टीम आई थी, ये चीज़ें पूछते हैं वो लोग। तो उसके बाद जो सेक्शन आता है मेरा प्रोफेशनल स्किल्स में, तो प्रोफेशनल स्किल्स में आप देख सकते हो मैंने कैसे बनाया था। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है C++, जावा एंड कैटिया और एनसिस। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, कैटिया एनसिस, ये आपके मैकेनिकल के डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर है, वन इज फॉर डिजाइनिंग, वन इज फॉर एनालिसिस।
तो ये दोनों सॉफ्टवेयर लिखा था। बाकी के मैंने अपनी 4 लैंग्वेज लिखी थी, सी भी आता है, जावा आता है, C++ एंड HTML, एंड मुझे ना कुछ और 2-3 लैंग्वेज आती थी जैसे DBMS एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने उन्हें मतलब वर्बली बता दिया था जब मैं अपना इंट्रो दे रहा था, तो मैंने उन्हें मेंशन कर दिया कि मुझे ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो जब भी आप मेंशन करोगे, जैसे आपने 5 लैंग्वेज मेंशन कर दी, तो आपको बेसिक्स उनके आने चाहिए। आप जब इंटरव्यू बैठोगे ना, आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे बेसिक्स आते हैं इनके, बट डीप नॉलेज नहीं है, और वो आपसे ना बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछेंगे। जैसे मुझसे जावा के क्वेश्चन ऐसे नहीं पुट अप किए थे, बट उन्होंने मुझे ऊप्स कॉन्सेप्ट सारे पूछ लेते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सारे चीजें पूछी थी उन्होंने मुझसे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जो भी लिखोगे ना, उन्हें आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स तो आना चाहिए, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं इनहेरिटेंस वगैरह वाले, तो ये तो 100% आप लिखोगे ना, तो वो 100% ये पूछेंगे ही पूछेंगे। एंड एक और होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछने वाला है, वो हर इंटरव्यूअर पूछते हैं, जब भी आप फ्रेशर की तरह किसी भी कंपनी अप्लाई करोगे तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन एंड बाकी के जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो सी लैंग्वेज से होते हैं। तो ओके, मैंने बता देता हूँ मैंने कौन कौन से पार्ट आपको कवर कर लिए। ऊपर का पार्ट कवर कर लिया बेसिकली, एंड मैंने एजुकेशन कवर कर लिया, पर्सनल डिटेल्स कवर कर ली, अचीवमेंट्स कर लिए, एंड प्रोफेशनल स्किल्स कर ली मैंने, एंड एडिशनल डिटेल्स रह गई हैं। तो ये एडिशनल डिटेल्स वाला मैं सेक्शन ही बता देता हूँ। सो बेसिकली आप मेरी एडिशनल डिटेल्स पहले देख सकते हो, तो मैंने क्या क्या मेंशन किया था, बाकी का आपको रिज्यूमे मिल जाएगा ना, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो, पॉज करके देख लेना, है ना। ओके, तो मैंने लिखा था मैनेजेरियल स्किल्स, मैनेज मैनी कल्चरल्स एंड टेक्निकल इवेंट्स इन कॉलेज, मैंने ये सारी चीजें लिखी थी। तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन पुटअप भी किया था, आपने कौन सा कॉलेज में इवेंट कराया है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इवेंट के बारे में जो आपने कराया है। नहीं कराया तो फर्जी भी आपको कोई ना कोई दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो आप इंस्टेंटली उसका आंसर दे पाओ, है ना। सॉरी। तो दूसरा दूसरा मैंने जो लिखा है वो लिखा है व्हीकल डायनामिक गो कार्ट कोऑर्डिनेटर। तो मैंने जैसे हमने जो गो कार्ट बनाई थी उसका हमने वर्कशॉप कराया था, तो मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया था, तो वो मैंने मेंशन कर रखा है, उन्होंने पूछा भी था, है ना। हाँ, इसके बाद लिखा है वर्किंग कैपेबिलिटी अंडर द इंस्टेंस ऑफ कंडीशंस, तो ये उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और मैंने भी लिखा था स्किल्ड हैंड इन स्केचिंग, मुझे स्केचिंग अच्छा लगता है बनाना, मतलब कॉलेज टाइम में बनाता रहता था कार वगैरह की स्केचिंग, तो उन्होंने पूछा था, बट क्वेश्चन इससे पूछा नहीं था मेरे से। एंड बाकी का जो चौथा लिखा, फिफ्थ वाला लिखा हुआ मैंने, वो लिखा है इंटरेस्टेड फॉर न्यूज पेपर रीडिंग, मैं न्यूज पेपर पढ़ता रहता हूँ, न्यूज अच्छा लगता है मुझे सुनना, तो मैंने लिखा हुआ है, बट उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था इससे। बाकी मैंने अपनी 2 कोर सब्जेक्ट भी लिखी है, इट इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, में आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट लिखी थी अपनी मैकेनिकल की, एक आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, एंड एनदर वाज लाइक एनदर इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में भी लिखा था। इन्होंने मुझसे हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा होगा इससे, नहीं तो नहीं पूछा था। बाकी जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे मेरे से प्रोजेक्ट से किए गए थे। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट के बारे पे, तो प्रोजेक्ट आपने कैसे लिखा, तो जो लास्ट सेक्शन बता हुआ है वो प्रोजेक्ट के बारे में, जो मैंने प्रोजेक्ट अंडरटेकन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किए थे, जो भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में आप डायरेक्ट नेम लिखना। एंड मैं बताऊँ, मैंने डायरेक्ट नेम लिखा था जिस प्रोजेक्ट पे टॉपिक था, जो उसका टाइटल था प्रोजेक्ट का, तो मैंने लिखा था जैसे फैब्रिकेशन ऑफ गो कार्ट। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट था पीवी थर्मल एनर्जी सिस्टम, ये भी मैंने मेंशन किया था। ये दोनों प्रोजेक्ट उन्होंने मुझसे पूछे थे, और कम से कम उन्होंने मेरे से 3 या 4 मिनट उन्होंने इसी पे डिस्कशन किया था प्रोजेक्ट्स पे। तो वो 100% आपसे क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, और आपसे पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट में कैसे काम किया, क्या क्या यूज किया, आपको हैंडल कैसे करना पड़ा टीम, ये चीजें सारी चीजें पूछेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। बाकी का नीचे मैंने उसके बाद क्लोजिंग लिखा है कि डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, कि मैंने जो भी लिखा हुआ है वो सारा सही लिखा हुआ है बस इससे। और मैं आपको ये सारा रिज्यूमे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस, मेरा रिज्यूमे थोड़ा सा कैची टाइप का था, हाँ, तो अच्छा भी लगा उन लोगों को, मैं सेलेक्ट भी हो गया था इन्फोसिस में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी इश्यू होता है, हाँ, मैं 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ आपको जो ऐड करने होते हैं, कि जैसे प्रोजेक्ट आप लिखते हो ना, तो मैं जो बोलूँगा, मेरा जो पर्सनल है, कि काफ़ी लोगों का डिफरेंट हो सकता है, मेरा जो पर्सनल है कि आप ज़्यादा डिटेल्स में मत लिखो प्रोजेक्ट, क्योंकि आप इंटरव्यूअर को चांस दो
कि वो आपसे उस पर और ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करे, या फिर आपको बोलने का थोड़ा मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ इसी में लिख दोगे ना रिज्यूमे में, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सब कुछ तो इसी में लिख दिया। उसे आप दोबारा से बोलोगे तो आप कुछ न्यू नहीं कर रहे। तो उन्हें मौका दो आपसे क्वेश्चंस पूछने का। अच्छा, मैंने लिख दिया फैब्रिकेशन और गोकार्ट, मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, है ना। अब उनके पास क्वेश्चन आया, अच्छा ये होता क्या है, अगर मैं ये लिख दूँ ना एक लाइन और बढ़ा के ये होता है, तो वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे। तो ये एक चीज माइंड में रखना। जब मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है, तो मैं इसीलिए थोड़ा ये चीजें मेंशन नहीं करता पूरी, बस मैं ये लिख देता हूँ, हाँ ये वाला टॉपिक था मेरे प्रोजेक्ट का। तो वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आप थोड़ा सा उसमें टाइम लोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो देख लेंगे इस चीज में, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। एंड बाकी का मैंने लैंग्वेज लिखी है, आप बेसिक सीख सकते हो एंड मेंशन करोगे रिज्यूमे में। अगर आपके पास जैसे आपने चार लैंग्वेज सीख ली, जैसे मैंने इसमें लिखा HTML, C, जावा, C++, चार लैंग्वेज सीख ली, है ना। अगर आपका वो जो इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने चारों लैंग्वेज से अगर दो दो क्वेश्चन पूछ ले, वो कितना डीपली नहीं जाएंगे, वो बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना। जैसे मैं बताऊं, सी से जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आपसे पूछेंगे, अच्छा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बता दो। ये इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, फैक्टोरियल का प्रोग्राम या एक कोई भी पैटर्न का प्रोग्राम लिख दो, मतलब बता देंगे कि फॉर लूप कैसे चलता है, बस वो फॉर लूप और जो फैक्टोरियल का वो फंक्शन लिखवाएंगे, जो वो लिखते हैं ना इफ कंडीशन लगा के, वो वाला फैक्टोरियल का फंक्शन वो लिखवाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो आपसे। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी आप रिज्यूमे में अगर लैंग्वेज लिखोगे ना, उसके बेसिक्स आइडिया भी लेके जाओगे, और इंटरव्यू जब भी आप होगा ना, तो आप मेंशन करते हैं मुझे बेसिक्स आते हैं बट मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है। अगर मेरा टेक्निकल होता तो मैं डेफिनेटली मुझे चांस मिलता, मैं सीख लेता, बट मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो मुझे बस इतना ही आता है, बेसिक्स आता है, अगर मुझे चांस मिला मैं सीख लूंगा। उससे आपकी एक और स्किल्स पता चलता है कि आपको सीखने का थोड़ा सा हुआ है, आपको अगर चांस मिला तो आप सीख लोगे ये चीज़ें, ये चीजें मैटर करती हैं। मैंने भी इस चीज पे ध्यान दिया था और मैंने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली थी कॉलेज टाइम पे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, लाइक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश को ना कभी कभी दब जाएगी वो चीजें, क्योंकि आपकी स्किल्स अच्छी है। तो इंग्लिश तो आप कंपनी में आके भी सीख लोगे यार, मतलब इतना थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बट कंपनी में आके सारी चीज सीख लोगे जब आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहां पे सब आपको इंग्लिश में बोलेंगे, तो फिर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में कोई हिंदी में नहीं बोलेगा, मतलब आप उससे बात कर सकते हो, बट क्लाइंट वगैरह से आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, नो इशू। बट मैंने जो बताया था ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इंटरव्यू ऐसे चलेगा ना, जैसे आपको क्या है ना टॉपिक मिल जाएगा बोलने के लिए, आपको ना जैसे सी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इजिली बता सकते हो। ओके, बाकी गाइस वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं गाइस। अगर आपको कोई इश्यू होता है ना, तो मुझे यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो कोई भी इश्यू होता है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।